पंजाब में बंदी सिखों की रिहाई के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत हुई है। ये सिग्नेचर कैंपेन श्री केसगढ़ साहिब से शुरू किया गया, जहां सबसे पहले श्री केसगढ़ साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघुबीर सिंह और एसजीपीसी प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने अपना सिग्नेचर किया। एसजीपीसी प्रधान धामी ने लोगों से लाखों की संख्या में इस सिग्नेचर कैंपेन का हिस्सा बनने की अपील भी की है। धामी ने कहा कि बंदी सिखों को अपनी सजा पूरी किए सालों बीत चुके हैं, इसके बावजूद भी उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने सिखों को रिहा करने की घोषणा कर दी थी, लेकिन यह अभी तक रिहा नहीं हो पाए। ये लगातार चलन के लगा चौबीस चौबीस घंटे नहीं, आप जतन करा गए भी वो टाइम इतने डिवोट किया जाए। अज कुरुक्षेत्र तो शुरू कर दिती है, दिल्ली के बच्चे भी असं, मैं आप ही मैंबर हाँ उत्थे का, दिल्ली के बच्चे भी असं गज बजा के करेंगे उत्थे भी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ से हर कोई वाकिफ है, लेकिन आज हम आपको संगरूर के नन्हे दिलजीत से आपको जरूर रूबरू कराएंगे, जो अपने सुरों की वजह से सुर्खियों में हैं। मुफलिसी के बीच पल रहे दिलजीत की क्या कहानी है, जरा इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो दे। कहते हैं हुनर अमीरी का मोहताज नहीं होता, ये तो सुना ही होगा आपने, आज देख भी लीजिए, ये आवाज आपको झूमने पर मजबूर कर देगी। गरीबी के कारण हालात जरूर खराब हैं, लेकिन हुनर ऐसा है कि हर कोई हैरान हो जाए। तो देखो तुम्हारे ख्यालों का दरिया यही है, तुम्हारे ख्यालों का दरिया यही है, दिल तेरे नाम मेरी जान तेरे। 15 साल के दलजीत की आवाज जिसने भी सुनी वो दीवाना हो गया। दलजीत के बगल में रखी मोमबत्तियां शायद ही जानती हो कि वो चिराग है जो अंधेरे को चीर कर उजाले को चैलेंज दे रहा है। ये वो फनकार है जो गरीबी के अंधेरों में छिपा रहा, और जब रोशनी ने दस्तक दी तो हीरे की चमक भी इसके आगे फीकी पड़ने लगी। गायकी का ऐसा हुनर आपने शायद देखा होगा, अंधेरों के साए में जुगनुओं की तरह चमकता ये वो दलजीत है, जिसके पास बल्ब लगाने तक के पैसे नहीं है, लेकिन आवाज कमाल की है। तू मेरा है प्यार, आ जावे माही वे, मेनू तेरा इंतजार। पापा लेबर का काम करते नहीं, पलेदारी दी। अच्छा, तुसी केड़ी क्लास पढ़ते हो? मैं 10वीं क्लास पढ़ती। ठीक है, असी देखा तुसी हनेरे हटा पढ़ाई करते हो। हाँ जी हाँ जी, सानू लाइट दी प्रॉब्लम आंदी है, इसलिए मैं पढ़ नहीं पांदे, फिर मोमबत्ती ला के हनेरे च पढ़ना पैंदी। अच्छा, ते सुपना की है तुहाडा? मेरा सुपना ही मैं एक चंगा सक्सेसफुल आदमी बन जाई, मैं सिंगर बन जा। परिवार के हौसले गरीबी के आगे पस्त हैं। दलजीत के पिता मजदूरी करते हैं, बेटा दलजीत 15 साल का है जो 10वीं की पढ़ाई कर रहा है। दलजीत के पिता भी मजे हुए कलाकार रह चुके हैं। दलजीत को यह गायकी विरासत में अपने पिता से मिली है। वो पिता ही हैं जिन्होंने दलजीत को सुरों के गुर सिखाए हैं। संघर्ष के दिनों में दलजीत के पिता की माली हालत खराब रही, घर में बड़े होने के चलते जिम्मेदारियों का बोझ सपनों को पीछे कर गया, और वो सपना जो पिता पूरा नहीं कर पाए, वो आग दलजीत के अंदर धधकते हुए देखते हैं। अगे लिया है जी, देखो कोशिश तो है जी, कुछ थोड़ा जहा पैसे की प्रॉब्लम चलती है, क्योंकि घर के बीमारियां इन ज़्यादा आईया ने सू परेशानियाँ इन्हों के कारण, क्योंकि पहला मेरे फादर साहब की उन्होंने हूँ डैथ हो चुकी है पिछे जी, उन्होंने जी निगाह से अखा से खराब सी, पुतली कई बार बदलनी पी है जी, वो बीमार रहे मेरी माता ने, यह बीमार रेंदे है, पर हूँ जाके थोड़ा जहा उन्होंने फर्क है। गॉड गिफ्ट भी है जी, तो कुछ थोड़ी बहुत ही मैनू देख के भी इन्होंने वो किया, कुछ माड़ा मोटा कदे किनारे जो समा लगता सी तो पूछा भी है। आवाज में ऐसी खनक हर किसी को नसीब नहीं होती। ऊपर वाले ने दलजीत की आवाज को बड़ी फुर्सत से सवारा है,
लेकिन माँ की बीमारी और घर की गरीबी ने दलजीत की उड़ान पर रुकावट पैदा कर दी है। घर की जिम्मेदारियाँ और हुनर के बीच दलजीत के सुर बुलंदियों तक पहुँचे, लेकिन आर्थिक तंगी और घर के हालात ने पैरों पर बेड़ियाँ लाद दी है। ऐसे में दलजीत को बेहतर मार्गदर्शकों की जरूरत है ताकि वो अपने टैलेंट को दुनिया को दिखा सके और अपने परिवार को आर्थिक तंगी से छुटकारा दिला सके। तेरे बिन जी नहीं सकदे, तेरे बिन मरता। आज तक न्यूज़।